तो वहीं से शुरू करो जो लास्ट क्लास में बताया था सर। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अब हमने देखे थे ये दो मॉडिफायर, एक तो यूवीडब्ल्यू मैप और अनरैप यूवीडब्ल्यू। ये किस काम में आता है? टेक्सचर्स को सेट करने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मेरे पास एक सिंपल सा बॉक्स बनाता हूँ, इस पे एक टेक्सचर डालता हूँ और मैंने इसमें यूवी मैप मॉडिफायर डाल दिया और इसको मैंने क्यूब इसको बॉक्स कर दिया और इसकी सारी वैल्यू सेव कर दी। तो मेरा इस पर टेक्सचर प्रॉपरली सेट हो गया। तो हमने ये देखा था लास्ट टाइम पे कि किस तरीके से इसकी वैल्यूज वगैरह की किससे क्या होता है और सिलेंड्रिकल या अलग अलग जो शेप्स हैं इसकी, इनसे अपने चेक किया था। क्या चीज? फ्रेंड्स ठीक है, ओके। तो फिर आज अपन चेयर का देखेंगे मॉडल बनाना। ये चेयर का दिखाई दे रहा है आप सबको चेयर? तो हम पहले इस चेयर का मॉडल बनाएंगे और इसको टेक्सचर करेंगे कि प्रॉपरली चेयर को कैसे, चेयर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्सचर कैसे किया जाए। तो इसके लिए अपन, मैंने एक प्लान निकाल लिया बना बनाया नेट से और इस पे डायमेंशन वगैरह लिखी हुई है सब कुछ। इसका अपन एज इट इज कैड मॉडल भी बना सकते हैं और कैड फाइल को भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको यूज करेंगे, बाद में हम कैड फाइल पे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा 3ds मैक्स है ओपन। तो ये अपना एक तो फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है। तो इसके हिसाब से अपन यहां पर इसको प्लेन के ऊपर इंपोर्ट करेंगे। तो वैसे कैसे करेंगे? मैं फ्रंट व्यू में गया, यहां पर मैंने एक प्लेन बनाई, इसको स्क्वायर रखना है तो मैंने इसका डायमेंशन ले लिया 100 बाय 100। ठीक है, मैंने इसकी ये एजेस हटा दी और मैंने यहां से इधर गया, यहां से ये इमेज सिलेक्ट करी और ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है अपने को, यहां पर ले जा करके इस पे ड्रॉप कर दी। अभी अपने प्लेन आ गई, अपने को उसके डायमेंशन सेट करने हैं इसमें, ताकि ये अपना जो मॉडल बने सही बने। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यूनिट सेट करेंगे। यहां पर जो इसकी डायमेंशन है वो इंचेस के अंदर है, ये 10 10 इंचेस, 10.2 इंचेस मान लीजिए, नहीं 10 नहीं सॉरी 102 इंचेस। हेलो, नहीं सर, एमएम में नहीं होगा ना, 1 मीटर की हाइट की चेयर नहीं होगी ना। हाँ तो ये इंचेस होगा, ये 102 इंचेस यहां पर है और ये 3.8 इंचेस, ये 8 इंचेस यहां से यहां तक। तो नहीं एक्चुअली सर, हो सकता है, लेकिन यहां पर है एमएम रखें। ठीक है, एमएम पे कर लेते हैं। तो एमएम में करने के लिए अपने को पहले इसकी यूनिट सेट करते हैं। तो यूनिट सेट करने कस्टमाइज में गए सर, थोड़ा ऑडियो उसकी कम करना है, मेरे पास रिटर्न आ रही है मेरी ऑडियो, तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, हल्की सी थोड़ी कम कर लीजिए, या आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए, म्यूट करोगे तो फिर आवाज नहीं आएगी। कोई नहीं, थोड़ा सा कम कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, शुरू करूं? ठीक है, तो ये एमएम में है, एमएम में लेके चल रहे हैं इसको। तो अपन सबसे पहले यूनिट सेट करेंगे, उसके लिए कस्टमाइज में गए, कस्टमाइज में यूनिट सेटअप्स। मैंने इसको जेनरेट पे रखा है, इसमें मैट्रिक में भी सेट कर सकते हैं, यूएस में भी सेट कर सकते हैं, कस्टम में भी सेट कर सकते हैं। मैं जेनरिक में लेकर के चल रहा हूँ उसको और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे रख के चलूंगा मैं। एमएम में भी कर सकते हैं, लेकिन एमएम में अपना मॉडल बहुत बड़ा बन जाएगा और उतना मॉडल बड़ा बनाने की अपने को जरूरत है नहीं। तो अपन सेंटीमीटर में लेके चलेंगे उसको, यूनिट को अपन सेंटीमीटर में कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब मेरे को इसका जो यहां से यहां तक अपना आ रहा है 102 सेंटीमीटर,
अगर एमएम में तो एक वो 1020 सेंटीमीटर एमएम हो गया, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 102 सेंटीमीटर हो गया। तो अब मेरे को 102 सेंटीमीटर को सेट करना है कि इसमें भी एग्जैक्ट 102 रहे, तो कैसे करेंगे? मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, टॉप व्यू में हूं मैं, उस प्लेन को तो मैं पीछे ले जाता हूँ। मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ 0-0 पे, इसकी हाइट डाल देता हूं मैं 102 सेंटीमीटर, ब्रेथ और डेप्थ कम कर देता हूं, मुझे सिर्फ इसकी हाइट से सेट करनी है। अब मैं इस प्लेन को यहां ले आता हूं साइड पास में इसके, और इसको स्केल करना है मेरे को ताकि यहां से लेके यहां तक की हाइट है जो इसके इसके बराबर हो जाए। ये मेरा हो गया स्केल, अप्रोक्सीमेट अपना स्केल हो चुका है। अगर अपन कैट की फाइल लेंगे तो अपन को स्केल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैट की फाइल में डायरेक्ट स्केल स्केल्ड मॉडल आएगा अपने को, बस उसको पोजीशन करनी देनी पड़ेगी। ये इमेज फाइल है इसलिए अपने को थोड़ा सा स्केलिंग वगैरह ये सब करनी पड़ रही है, ठीक है। अब इसमें फ्रंट व्यू और लेफ्ट व्यू में अपन इसको सेट कर देते हैं। इसको तो मैं डिलीट मार देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर इसका जो सेंटर लाइन है ये जी मार्क रखा है, इसको मैंने इसके सेंटर लाइन पे ब्लैक वाली लाइन पे सेट कर दिया, और ये अपना जीरो पे है, ठीक है। एक मैंने एक कॉपी और ले ली इस प्लेन की, शिफ्ट दबा करके अगर अपन ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाती है, मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद में इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, और इसको मैं इस तरह रखता हूँ। अगर अपन 3D में देखें तो ये ऐसे है, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये अपना साइड व्यू हो गया। अब मैं लेफ्ट में चलता हूँ, यहां मैंने ऑन किया, और इसको मैं यहां से ट्रैक करके इस पे रखता हूं। अब अपनी चेयर यहां सेंटर हो गई, ये अपना लेफ्ट व्यू हो गया और ये अपना फ्रंट व्यू हो गया यहां पर। अब इसके अंदर अपने को इसको मॉडल करना है, तो शुरू करें मॉडलिंग, ठीक है। यहां तक आ गया सब समझ में? कुछ कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं, तो अपन एक साइड का बनाएंगे, दूसरी साइड का सिमेट्री मार देंगे, क्योंकि सेम है, सिमेट्रिकल मॉडल है। तो ऐसे शुरुआत करते हैं, पहले मैं लेता हूं एक बॉक्स, टॉप व्यू में जाता हूं, एक यहां पर एक बॉक्स बना देता हूं। इस बॉक्स को मैं यहां सेट, इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑल्ट एक्स से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अपना बॉक्स। अब इसकी अपन ब्रेथ और डेप्थ सेट कर देंगे। अब अपन को डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट में अपना सारा सामान सब चीजें एकदम एग्जैक्ट बनेगी। जैसे यहाँ पर 47 दे रखा है, तो यहाँ पर अपना 4.7 एग्जैक्ट आ रहा है, तो अपने को ज्यादा
ये देखो सर, अच्छा वहां से ये वाला पार्ट बोल रहे हो ये? मैं आपको पूरा निकाल के दिखा देता हूँ ना, मैं आपको पूरा, ये मैंने पूरा बाहर निकाल दिया। ये देखो सब तरफ से व्हाइट है, ये वो लाइट शेडो आ रही है बस, और कुछ नहीं है। कवर वाला भी देख लीजिए सर, पूरा पूरा, हाँ पूरा टेक्सचर दोनों तरफ आएगा, हमेशा ध्यान रखना प्लेन के दोनों तरफ टेक्सचर आता है। अब मेरे को मान लो इसको जैसा रियल में होता है वैसा करना है, तो मैं अगर इस पे डालता हूँ शेल डाल देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को अंदर का वाइट करना है, वाइट या वाइट करना है मान लीजिए, है ना। तो मैं शेल में ही चलता हूँ, और शेल में थोड़ा आवाज कम करना सर, आवाज बहुत बेकार है, ठीक है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ इनर वाले पॉलीगन, सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, नहीं यहाँ ऑप्शन होता नीचे, सिलेक्ट इनर फेसेस, इनर फेसेस सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट एज वाले, जो एज वाले ये वाले भी सिलेक्ट कर लिए। देन इस पे मेक और एडिट पॉली डालता हूँ, पॉलीगन में गया, इसमें यहाँ पर मैं इसकी आईडी दे देता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन आता है मटेरियल आईडी, इसको मैंने आईडी दे दी नंबर 2, और कंट्रोल आई से बचे हुए पॉलीगन सिलेक्ट कर दिए, इस पर आईडी दे दी मैंने 1। देन इसको डीसिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ चलता हूँ इसके अंदर, यही वाला मटेरियल मैं यूज करूंगा दूसरे पे, और इसका टेक्सचर ले लेता हूँ, ये वाला मटेरियल दूसरा हो गया। देन यहाँ अपने पास ऑप्शन आता है मल्टी सब टेक्सचर, मल्टी सब ऑब्जेक्ट, इसको ले लो, इस वाले पे मैंने इसको असाइन कर दिया। इसका अपने को नंबर चाहिए सिर्फ 2 तक, यहाँ डिलीट कर देते हैं 1 और 2। 1 पे तो अपन ने डाल दिया ये वाला, तो ये ऊपर आ गया, और दूसरे पे अपन ने डाल दिया ये वाला, तो अंदर अपना व्हाइट आ गया और बाहर अपना ये टेक्सचर आ गया, ठीक है सर। तो ये सब अपन जब मटेरियल देखेंगे ना, तो उसमें देखेंगे ये सब चीजें। अभी तो अपना ये स्टैंडर्ड चल रहा है, अपन वीरे के देखेंगे मटेरियल, तो है ना। तो वीरे में अपने को ये भी यूज कर सकते हैं, और वीरे का खुद का ऑप्शन भी होता है, जो कि होता है मल्टी सब टेक्सचर ये वाला, जिससे अपन डायरेक्ट टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं। इसमें तो अपने को अलग अलग मटेरियल बनाने पड़ेंगे, उसमें एक ही टेक्सचर से काम चल जाएगा, एक ही मटेरियल से काम चल जाएगा, तो ये अपन उसमें देखेंगे। तो इस तरीके से ये मैच बॉक्स भी बना करके देखना आप, इस पे भी प्रैक्टिस करना, ठीक है सर। फिर आज के लिए इतनी क्लास काफी, ठीक है सर, ओके। हाँ ये मैं आपको सेव करके फाइल, ये वाली फाइल सेव कर देता हूँ, बाकी तो मैंने डिलीट मार दी। हाँ मटेरियल मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना।